नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। रांची में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूकता संगोष्ठी, खेती के नए प्रणालियों को अपनाने का दिया सुझाव। यूपी के सादाबाद में भी स्वर्णिम भारत की पहचान, आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम, कई गांवों के प्रधान हुए शामिल। बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता पहुंचे लखनऊ, कई मेडिकल कॉलेजेस में वर्कशॉप। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रसार विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बी के झा, कृषि विभाग के सहायक निदेशक शैलेंद्र कुमार, नाबार्ड बैंक के उप महाप्रबंधक सुभाष चंद्र गर्ग, कृषि व्यवसाय प्रबंधन के पूर्व निदेशक प्रभारी डॉक्टर हरिहरन, सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला की मौजूदगी में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत देश में खास हुआ है अद्भुत ये आकाश की योगिक खेती को अपनाए के अपने खेतों को बचाए के आत्मनिर्भर भारत बनाए। बुद्धिजीवियों ने सर्वप्रथम मिट्टी में आई उर्वरकता शक्ति की कमी के कारणों पर विस्तार से चर्चा की और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए खेती के अन्य प्रणालियों को अपनाने का भी सुझाव दिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोल्हापुर के भाइयों ने, जो नियमित विद्यार्थी थे, एक प्रयोग किया। उन्होंने योग के द्वारा खेती करना शुरू की, तो जो ये रासायनिक खाद है या टॉनिक आदि है उन सबको नहीं लिया, हाइब्रिड बीज हैं उनको छोड़ दिया, लेकिन अपनी फसल से तैयार बीज को लेकर के और योग के वाइब्रेशन देकर वो खेती तैयार की। ये तो आप जानते हैं, ये देखा उसमें प्रयोग करके विशेष कि प्रकृति जो धरती है वो बहुत जल्दी वाइब्रेशन कैच करती है और वो शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन से फसल बहुत अच्छी हुई। इस प्रयोग से ये देखा है, तो बहुत अच्छा प्रयास है ईश्वरी ब्रह्म भगवान ईश्वरी विश्वविद्यालय का कि हम प्रकृति से जोड़ के नाम कुछ भी रख लें, हम यह हम इसको प्राकृतिक खेती कहेंगे। और यह जो खेती का जो एक्सट्रीम फॉर्म जो नेचर के ज्यादा करीब है उसको हम लोग नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल इकोलॉजिकल फार्मिंग कहते हैं। ऐसे ही यूपी के सादाबाद में भी स्वर्णिम भारत की पहचान, आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में तसीगा गांव के प्रधान श्यामवीर सिंह, कुरसंडा गांव प्रधान रणवीर सिंह, जनपद प्रभारी बी के सीता मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ग्राम विकास प्रभाग की आगरा जोनल कोऑर्डिनेटर बी के भावना ने कहा कि देश के वीर किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से भारत को मजबूती प्रदान की है, लेकिन आज उन्हीं किसानों की हालत बड़ी गंभीर है, इसीलिए हमें अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना है। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए अपने उपयोगी सुझाव व्यक्त किए। दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रेरक वक्ता बी के डॉक्टर मोहित गुप्ता के यूपी की राजधानी लखनऊ पहुँचने पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वर्कशॉप्स का आयोजन हुआ। गोमती नगर सेवा केंद्र के सहयोग से आयोजित इन कार्यशालाओं में पावर ऑफ टॉलरेंस, थॉट्स मैनेजमेंट और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी विषय पर बी के डॉक्टर मोहित गुप्ता ने प्रकाश डाला। तो वही गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के राधा ने स्टूडेंट्स को राजयोग मेडिटेशन के फायदे बताए। और एक तरीका क्या, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, लोगों की जिंदगी को कुछ एक मैजिक क्रिएट करना चाहते हो, तो दोस्तों अगर नया माइंडसेट, नया रिजल्ट चाहिए तो माइंडसेट भी नया क्रिएट करना। और वो नया माइंडसेट कोई मैजिकल माइंडसेट ऐसा नहीं है, वो नया माइंडसेट है केवल अपने संकल्पों को नया दिशा निर्देश, उसको नया आयाम देना। ऐसे ही आत्मचिंतन भवन सेवा केंद्र पर भी हेल्दी बॉडी हैप्पी माइंड विषय पर पब्लिक प्रोग्राम हुआ।
जिसमें डेयरी डेवलपमेंट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रजनीश दुबे, उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार, KGMU के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी, उत्तर प्रदेश टूरिज्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश मेश्राम समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। अब कुछ खबरें एक नजर में। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत निकाली गई मेरा भारत मेरी शान साइकिल यात्रा। 30 से भी अधिक साइकिल यात्रियों ने लिया भाग। सुंदर कलाकृति से संपन्न दूल्हा देव मंदिर पहुंची साइकिल यात्रा। लोगों को मंदिर के अनोखे रहस्यों की दी जानकारी। खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने देश के विरासत को सुरक्षित रखने का दिया संदेश। समाज सेवी सुधीर शर्मा, बुंदेलखंड बैंक मैनेजर विजय रजक सहित कई गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर हुआ मीडिया कर्मियों के लिए तनाव प्रबंधन राजयोग मेडिटेशन सेमिनार। IIMC दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए मीडिया कर्मियों को करनी होगी पहल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने पत्रकारों से तनाव मुक्त रहने के लिए दिनचर्या में राजयोग मेडिटेशन शामिल करने की करी अपील। संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने आध्यात्मिकता द्वारा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का किया आह्वान। रायपुर के चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए आयोजित हुआ प्रेरणा समर कैंप। बीके अंशु ने बच्चों से कहा कि खुश रहने के लिए मन को अपना दोस्त बना लो। नई दिल्ली के त्रिनगर सेवा केंद्र पर समाज सेवियों के सम्मान में कार्यक्रम। संस्था के समाज सेवा प्रभाग का आयोजन। दिल्ली कांग्रेस सचिव कविता सिंघल, जिला महामंत्री प्रमोद गुप्ता, पार्षद मंजू शर्मा, समाज सेवी संजय शर्मा, माउंट आबू से आए बीके कीर्ति मुख्य अतिथि के तौर पर रहे उपस्थित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने को बताया सच्ची समाज सेवा। संजय शर्मा ने कहा कि ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर आने पर होती है शांति की अनुभूति। महाराष्ट्र के पंचगनी सेवा केंद्र पर 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लगाया गया समर कैंप। पंचगनी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी गिरीश दापेड़कर, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हिमांशु भारत ने भी बच्चों से की मुलाकात। बीके नम्रता, बीके सविता, बीके सुषमा भी रहे उपस्थित। पढ़ाई में एकाग्रता, जीवन में नैतिक मूल्य और मेडिटेशन विषय पर बीके नम्रता, बीके सविता और बीके सुषमा ने बच्चों का किया मार्गदर्शन। छत्तीसगढ़ के भाटापारा सेवा केंद्र पर दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम। दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राचार्य ऋतु रजनीश, डॉक्टर सीमा अवस्थी मुख्य अतिथि के तौर पर हुई शामिल। बीके मंजू ने कहा कि हमें हमेशा देने की भावना रखनी चाहिए। ऋतु रजनीश ने अपने बचपन के अनुभवों को किया साझा। छतरपुर के विश्वनाथ सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए लगा 3 दिवसीय समर कैंप। क्रिश्चियन स्कूल शिक्षिका अविद्या अग्रवाल, मरियम माता स्कूल शिक्षक सुरेंद्र सिंह ने बच्चों का कई विषयों पर किया मार्गदर्शन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा, बीके रीना, बीके कमला और बीके कल्पना ने बच्चों को खेल खेल में दी आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के महत्व की शिक्षा। समर कैंप के अंतिम दिन एयरपोर्ट AGM सौरभ यादव, प्रोफेसर डॉक्टर ML प्रजापति, सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने भी बच्चों का किया मार्गदर्शन। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चीफ लॉ ऑफिसर डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी रहे मुख्य अतिथि। कोलाबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री के मार्गदर्शन में आयोजित रहा कार्यक्रम। कई जागरूकता अभियानों का भी हुआ आह्वान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर भव्य कार्यक्रम। मधुबन के बीके देवान और बीके देवेंद्र रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने किया कार्यक्रम का आगाज। बीके देवान ने सदा खुश रहने के बताए कारगर उपाय। यूपी के बदोही सेवा केंद्र पर वैश्य समाज द्वारा आयोजित हुआ अभिनंदन समारोह। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर का आगमन। बीके विजय लक्ष्मी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का कराया अभ्यास। अंत में बीके विजय लक्ष्मी ने मंत्री जी को भेंट किया निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा का स्मृति चिन्ह। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी बच्चों के लिए समर कैंप। बच्चों के लिए एक्सरसाइज, डांस एवं राजयोग मेडिटेशन की क्लासेस। बीके किरण ने बच्चों को दी नैतिक और आध्यात्मिक गुणों की शिक्षा। बच्चों के पेरेंट्स भी रहे उपस्थित। हरियाणा के सफीदो सेंटर द्वारा महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। हरियाणा भाजपा प्रमुख कविता शर्मा, हमारा परिवार संस्था प्रमुख रुचि भारद्वाज,
कंचन फाउंडेशन प्रमुख हेमलता समेत कई प्रतिष्ठित महिलाएं रही कार्यक्रम में उपस्थित। बीके कीर्ति ने सभी को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए सभी को कराया राजयोग का अभ्यास। अंत में बीके कीर्ति का सभी महिलाओं ने किया सम्मान। जलंधर के प्रभु द्वार सेवा केंद्र पर डॉक्टरों का सम्मान समारोह, 40 से अधिक डॉक्टर्स को किया गया सम्मानित। बीके रेखा और बीके मीरा ने चिकित्सा पद्धति में अध्यात्म के समावेश की कही बात। सभी डॉक्टर्स ने साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स करने की जताई मंशा। बिहार के किशनगंज मंडल कारागृह में ब्रह्म कुमारी द्वारा कर्मों की गुह्य गति और संस्कार परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने कैदियों से कहा कि इसे जेल नहीं सुधार गृह समझे, अपना आत्म अवलोकन करें और बुरे संस्कारों का परिवर्तन करें। बीके बहनों ने ब्रह्म कुमारी संस्था और राजयोग मेडिटेशन का दिया परिचय। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक निरंजन कुमार पंडित भी रहे उपस्थित। कोलकाता में कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए एंगर टू पीस विषय पर वर्कशॉप, 60 से भी अधिक युवाओं ने लिया कार्यक्रम का लाभ। बीके आशा ने गुस्से को कंट्रोल करने के दिए टिप्स। तो वहीं बीके चंद्रा ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से गुस्सा जड़ से खत्म हो जाता है। कोलकाता के दत्तपुकुर सेवा केंद्र ने ईश्वरी सेवाओं के विस्तार के लिए तैयार की अनोखी ऑटो। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और लाइट एंड साउंड से लैस है ये पुष्पक ऑटो। श्यामनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला ने किया पुष्पक का उद्घाटन। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।